कार्यकर्ताओं में से ही पदाधिकारी बनते हैं, और जब कार्यकर्ता हमारा मन और भाव से निकल करके आता है तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता को नीचे से ऊपर लिया जाता है, बाकी और कोई राजनीतिक नहीं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका सहयोग, आपका भाव, आपका मन पार्टी के लिए हमेशा आवश्यकता है। मित्रों, अगर कहीं पूरे देश, पूरा प्रदेश अगर कहीं देख रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देख रहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने जिस तरह की स्थिति खराब की है उनको एक आशा की उम्मीद है, तो सिर्फ जनता को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे वो हमारा मंडल का कार्यकर्ता हो, हमारे जिले का कार्यकर्ता हो, हमारा प्रदेश का कार्यकर्ता हो, हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि हो, इस जनता जिन आंखों से और जिस विश्वास के साथ देख रही है वो आप जैसे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देख रही है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जनता की संवेदनाओं में हम किस तरह से शामिल हो सकते हैं, उनके दुख और दर्द में हम कैसे शामिल हो सकते हैं, उनके दुख और दर्द का सहारा हम कैसे बन सकते हैं। अगर हम भी नहीं बनेंगे तो जनता का विश्वास और भाव हमारी तरफ कैसे रह पाए, क्यों कि हमारे अंदर तो संस्कार है, हमारे अंदर तो विचार है। सरकार हमारी है, आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं, कार्यकर्ता जिस मन और जिस भाव से काम करता है कार्यकर्ता का पूरा सम्मान रहेगा। यह मैं आपको समस्या का समाधान भी होगा और कार्यकर्ता को सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने जो ये मेहनत की है और राजस्थान में जिस तरह से आपने बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई है, आने वाले समय में केंद्र में भी हमें जो जिस आशा और उम्मीद के साथ 400 सीटों से ऊपर लेकर के हमने कहा है, हमारा घोषणा पत्र है, पहले दिन की बैठक में हमने कहा कि हमारा जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र के आधार पर हमारी सरकार चलेगी। तो महिलाओं के अत्याचार हुआ है, हमने कहा कि महिलाओं की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, महिला और बालिकाओं की जिम्मेदारी हमारी सरकार संकल्पित है कि महिला अत्याचार नहीं होंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। एक जवाबदेही सरकार के लिए आप सभी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप जाएं, उनके जो काम है, उनके जो दुख है, उनकी जो परेशानी है, उनमें हम सहभागी बने, क्योंकि इस देश में संवेदनाएं जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियों ने खत्म किए, हमें उन संवेदनाओं को ध्यान रखते हुए हर व्यक्ति की समस्या हमारी समस्या होगी, इस भाव से हमें चलना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारी सरकार ने जो हमने संकल्प लिए हैं चुनाव से पहले, उन संकल्पों को पूरा करेंगे। इससे राजस्थान की जनता ने जो हमारे प्रति जो भाव और जो मन बनाया है उसको पूरा करने के काम करेंगे। आपने जो मान और सम्मान दिया और एक बहुत बड़ा शानदार कार्यक्रम राष्ट्रपति महोदय जी का किया, महामहिम, जब मैं मिलने गया था तो उनका कार्यक्रम महामहिम जी का पहले आ गया था, लेकिन जब मैं मिलने गया तो उन्होंने मेरे को बताया मुझे जैसलमेर कार्यक्रम है, तो मैंने उनसे निवेदन किया था एक कार्यक्रम आप हमें दीजिए,
हमें भी सरकार का एक कार्यक्रम करने का मौका मिलेगा और हमारा कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें एक कार्यक्रम हमें मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने कार्यक्रम दिया और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।